मक्का मुकर्रमा सर्दियों में भी गर्म क्यों रहता है? सऊदी अरब की अल कसीम यूनिवर्सिटी के माहौलियात के साबिक प्रोफेसर और सऊदी वेदर एंड क्लाइमेट सोसाइटी के नायब सदर अब्दुल्ला अल मसनद ने सर्दियों में मक्का मुकर्रमा के इलाके गर्म रहने की वजूहात बयान की है। अरब मीडिया के मुताबिक अब्दुल्ला अल मसनद ने सर्दियों में मक्का मुकर्रमा के इलाके की गर्मी का सबब बयान करते हुए कहा है कि इसकी वजह कई जुग्राफियाई और मौसमी अवामिल हैं। अरब मीडिया के मुताबिक उन्होंने सोशल मीडिया पर इस हवाले से बताया कि सर्दियों में मक्का की गर्मी का एक सबब हज्जाज के पहाड़ों की तरफ से बड़ी पहाड़ी रुकावटों की मौजूदगी है। उनका कहना है कि ये पहाड़ी रुकावटें शुमाल और मरकज से आने वाली सर्द हवाओं को मक्का तक पहुंचने से रोकती है। अब्दुल्ला अल मसनद ने कहा कि ये एक ऐसा इलाका है जो सतह समुन्दर से 300 मीटर की बुलंदी पर है। मक्का निस्बतन जुनूबी और सर्द शुमाली असरात से भी दूर है जो शुमाली और वस्ती इलाकों को मुतासर करते हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मक्का में मौसम सरमा के दौरान दर्ज हरारत आमतौर पर दिन भर 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है।